पहले वाली मतलब ये मोबाइल में जो जिला योजना था उसको ठीक से। अरे संजय भाई कैमरा थोड़ा ऊपर। और मेरा भी उद्देश्य ये है कि आज चूंकि मैं तहसील नगर जिले का प्रभारी हूँ, सुबह वहाँ का जिला प्लान आज फाइनल किया है, कल यहाँ का जिला प्लान करेंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं और सरकारी योजनाएं दोनों में सामंजस्य होकर कार्यकर्ताओं योजनाओं को जनता तक पहुँचाएंगे। फिर चूँकि कार्यकर्ता से बहुत बड़ी अपेक्षा जनता की होती है, खासतौर पर जब सरकारें बनती है, सरकारें होती है। आज हमारी सरकार होने के कारण आम कार्यकर्ता जहाँ वो रहता है, मोहल्ले में, गली में, वार्ड में, तो लोगों की अपेक्षाएं उनसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो अपेक्षाओं पर खरा उतरे, इसलिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से काम हो, ये प्रयास हम लोग करेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार निरंतर बैठना, शासन प्रशासन के साथ उनका ठीक से समन्वय होना और जिला प्लान ठीक से पास हो, विकास की योजनाएं धरातल पहुंचे, यही जिला प्रभारी के रूप में मेरा काम होगा। इसे मैं ठीक से उत्तरदायी का निर्माण। आगे जैसे निकाय चुनाव है, किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी इसमें? हमारा पूरी तैयारी है, रणनीति भी जीतेंगे हम सब सीटें, और हमारी पूरी तैयारी है, जब भी कोर्ट से हम लोग क्लियर करा लेंगे तुरंत चुनाव करवाएंगे। एक दो दिन में, चार दिन में, जब भी कोर्ट में तारीख है, इसके बाद मुझे समझा वो लास्ट है। जैसे कांग्रेस वाले परेशान है, रोज कोर्ट में चले जाते हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हूँ कहीं और जाने की, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस वाले लगातार निरंतर कोर्ट से भी हार रहे हैं और धरातल पर भी हारेंगे। कौशिक जी, जो 57 विधानसभा सीटें हैं बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ सीएम समीक्षा करने वाले हैं, कांग्रेस बुरी तरीके से बौखलाई, वो कह रहे हैं सीएम तो पूरे प्रदेश के होते हैं, क्यों आखिर? सीएम भी पूरे प्रदेश के, और देखिए एक पार्ट में समीक्षा है, इसके बाद उनकी समीक्षा होगी। चूँकि ऐसा नहीं है, हम लोगों ने विकास को इस प्रकार से डिवाइड नहीं किया कि कौन हारा कौन जीता। हमने अगर विकास के काम दिए तो हमने पूरी 70 विधानसभाओं में दिए, समीक्षा भी 70 की होगी, फर्स्ट पेज में आने के बाद उनकी शुरू। सर, फ्री होल्ड के मामले नैनीताल जिले में लंबे समय से लटके हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मामला है, क्यों जिलाधिकारी नहीं कर पा रहे? क्योंकि पड़ोसी जिला है, वहां तो बड़े तेजी से काम हो रहे हैं, उधम सिंह नगर में फ्री होल्ड के, यहां नहीं हो रहे। जो फ्री होल्ड कराने की नजूल की नीति थी, फिलहाल माननीय न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया है, नई नीति हम लेकर आ रहे हैं, पुरानी नीति को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलेगी और नई नीति भी हमारी एक अच्छी नीति हम बना रहे हैं।